क्लास टेंथ टर्म टू रिजल्ट, ये बहुत ज़्यादा सर्च्ड वर्ड है इस वक्त। अगर आप गूगल पर जाएंगे तो आप देखेंगे ट्रेंड में, गूगल ट्रेंड में जाकर के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यही ज़्यादा ये जो चीज़ है ट्रेंड कर रही है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मान लीजिए दो सिचुएशन मानते हैं, थोड़ी देर के लिए मेरी बात को अगर ध्यान से सुन लोगे तो मेरे ख्याल शायद तुम जो वर्ड सुनना चाहते हो शायद मैं वही बात बोल दूं और शायद तुम्हारी दिक्कतें जो या परेशानी जो है या जिस डिप्रेशन में तुम हो, जिस स्ट्रेस में तुम हो, वो शायद वो डिप्रेशन वो स्ट्रेस खत्म हो जाए। थोड़ी देर के लिए यार मेरी बात सुन लेना, थोड़ी देर के लिए सुन। देख भाई, रिजल्ट दो तरीके के होते हैं, एक तेरे फेवर में आएगा और एक तेरे फेवर में नॉट इन फेवर, मतलब हम लिख सकते हैं नॉट इन फेवर। इसके अलावा कोई तीसरा रिजल्ट तो बन नहीं सकता। क्लियर। तेरे फेवर में आने का मतलब क्या है? जितनी परसेंटेज तूने सोची उतनी परसेंटेज आ जाएगी। तेरे फेवर में ना आने का मतलब है कि जो तूने सोचा है वो नहीं होगा। मान ले जो तूने सोचा है वो नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि जो तूने सोचा है वो होगा वो तो तू ही नहीं मान रहा ना। तो मैं ये बोलूंगा, मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि यहां पर तो एवरीथिंग इज क्लियर ना हो। तो अगर तुमने जो सोचा है वही तुम सोच रहे हो कि वही आ जाएगा, फिर तो कोई डिस्कशन वाली बात नहीं। डिस्कशन तो यहीं पर है ना, स्ट्रेस तो यहीं पर है, डिप्रेशन तो यहीं पर है, सोच तो यहीं पर अटकी हुई है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मेरी बात सुन भाई मेरे, अगर मैं क्लास दसवीं की बात करूँ रिपोर्ट कार्ड की, ये रिपोर्ट कार्ड एक्चुअल में जो मार्कशीट होती है दो चीज़ों में काम आती है। एक तो है एडमिशन इन योर फेवरेट स्ट्रीम, जिसके लिए मैं बताता हूँ, या तो तुमने स्कूल वालों से बात कर लेना, जो भी परसेंटेज आएगी उसमें तुम्हारे स्कूल वाले किस तरीके से तुम्हारा साथ दें और जो तुम स्ट्रीम चाहते हो वो स्ट्रीम तुम्हें दिला दें। या फिर क्या हो सकता है, तुम्हारे स्कूल वाले ना दें तो कोई दूसरे स्कूल में चले जाना, वहाँ जाकर के स्ट्रीम मिल जाएगी। तो या तो स्कूल में स्ट्रीम मिल जाएगी या स्कूल के बाहर स्ट्रीम मिल जाएगी या दूसरे स्कूल में जाकर के स्ट्रीम मिल जाएगी, लेकिन स्ट्रीम मिल जाएगी, उसकी टेंशन तुम मत लो। स्ट्रीम मिल, थोड़े से हाथ पैर मारने पड़ेंगे, स्ट्रीम मिल जाएगी। थोड़ा सा अपने भाई के ऊपर भी बिलीव करो और खुद के ऊपर भी बिलीव करो कि तुम ढूंढ सकते हो ऐसा स्कूल जहाँ पर जो तुम्हारी फेवरेट स्ट्रीम होगी वो तुम्हें वहाँ पर आराम से ईजिली एक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा काम होता है डेट ऑफ बर्थ इसका, और इसके अलावा इसका कहीं और कोई काम नहीं होगा। जब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके बाद इसका कोई मूल मंत्र कोई कुछ भी मतलब वैल्यू नहीं रह जाएगी। वैल्यू सिर्फ अभी है कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है तुम्हें। तो इस बात को तो उतना ही प्रायोरिटी दो, उतनी ही वैल्यू करो जितनी इसकी वैल्यू है। इस बात को प्लीज़ ध्यान से समझो, मैं बहुत क्लियर वर्ड में बता रहा हूँ। दसवीं की मार्कशीट जो है वो फेवरेट स्ट्रीम तुम्हें अपने स्कूल में मिले या दूसरे के स्कूल में मिले, मिल जाएगी। जो तुम्हें स्ट्रीम चाहिए होगी वो मिल जाएगी तुम्हें, जो तुम पढ़ पाओगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और दूसरा डेट ऑफ बर्थ, अब इसके लिए तो करना नहीं है तुम्हें, तो स्ट्रेस फ्री हो जाओ थोड़ा सा। और स्ट्रेस फ्री होकर के ये सोचो कि जब तुम्हें मिल जाएगी स्ट्रीम तो तुम क्या करोगे। तुम लोग भाई एडमिशन लो और पढ़ना शुरू करो। इस स्ट्रेस में रह करके तुम खुद बताओ ना, एक महीना बर्बाद किया नहीं किया, कमेंट में लिख देना एक बार, तुमने किया नहीं किया, नहीं पढ़ पा रहे तुम मत करना भाई मेरे। 27 तारीख से बैच शुरू है, फॉर्म को फिल कर, टीम से बात कर, 30% डिस्काउंट चल रहा है, लाइव क्लास से पढ़ना शुरू कर, डीपीपीस कर, डाउट इंजन कर, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ होगा, तू आगे बढ़ेगा तब कुछ होगा ना, तू रुका रहेगा तो क्या कुछ होगा पता। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें एंड जो बात मन में है उसे कमेंट में लिख के चले जाना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है।